हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि आप लोग का गाय कहाँ है। तो गाय हम लोग कहाँ है दोस्तों, हर वीडियो में दिखा नहीं पाते हैं गाय। तो रोज़ हम लोग दूध दूहते हैं गाय का। सो दोस्तों, आगे से हम लोग का गाय का भी बहुत सुधार हो चुका है, अभी कुछ ठीक दिखती है। तो दोस्तों, काल में बहुत बिजी था और पिछला वीडियो में जैसे कि मैं बताया था, हम लोग गैस ख़त्म हो गया है और हीटर लाए थे वो भी नहीं जला, तो उसके चक्कर मेरा काल सारे दिहाड़ी ख़त्म हो गया। और दोस्तों, मेरा भाई के साथ गए हुए थे करीना सब, तो यही थी जो हीटर है वो जो अंदर ऊपर वाला तार होता है वही ज़्यादा वोल्टेज वाला था, तो अभी भी ऐसा तो नहीं जल पा रहा है। हम लोग को थोड़ा मोटा वाला तार लगाना पड़ेगा, मैं पतला पतला वाला ही लगाया हूँ। तो उसके चक्कर में हम लोग का बहुत टाइम ख़राब हो गया दोस्तों, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं था। तार तो लगा दिया था लेकिन बोल रहा था कि चेक कर लेंगे उसके बाद ही ले आएंगे हम लोग, तो इसलिए वहाँ बिजली का बहुत वेट करना पड़ा। और गैस तो हम लोग का जल्दी ही भरा गया था। तो कल पूरे दिहाड़ी जैसे कि ख़त्म हो गया। मैं 10-11 बजे गया था, कल कुछ वीडियो भी नहीं बना पाया वैसा। तो आज हम लोग जाएँगे अभी खेत तरफ फिर से और कुछ काम करना है, तो आज का कुछ वीडियो नहीं है दोस्तों। तो ये देखिए, बाबू हम लोग का चाय पिए और जा रहा है। बाबू हेलो नहीं करेगा, हेलो करके जा रहा है। तो दोस्तों, आज करीना सब ममता के स्कूल गई थी मीटिंग, तो वहीं से चाय लेके आए थे। देखिए अभी बाबू सब पिया। हेलो दोस्तों। और ये देखिए मेरा बड़े भाई का लड़का, ये भी अभी ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम पकड़ा हुआ है। दादी माँ भी हम लोग को वेट कर रही थी कि आप लोग आज कहाँ जाएंगे, तो हम लोग बोले कि साथ में ही जाएंगे, चलिए। तो ये देखिए दादी भी जा रही घर, यहाँ बैठी हुई थी धूप में। तो गाय सबको तो चराने के लिए छोड़ दिए है। तो चलिए, पिछला वीडियो में दिखाया था कि बड़े पापा सबका वहाँ शकरकंद है, तो करीना बोल रही है कि चलिए अभी थोड़ा निकाल के लाएंगे, बच्चे सब खोजते हैं बोल के। ममता और बाबू बहुत ही जिद्दी हैं शकरकंद के, जैसे आग में पका के खाने से बहुत टेस्टी लगता है, वैसे तो पानी में भी उबालने से बढ़िया लगता है। तो चलिए अभी ले कर आते हैं वही, और अभी हम लोग जाएँगे फिर से काम करने का ही बोल रहे हैं, तो उसका वीडियो कॉल मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं अभी। सो दोस्तों, ये देखिए मैं कुदाल पकड़ लिया हूँ, चलिए चलते हैं। अभी दिन के 11 बज चुका है, शायद 1-2 बजे अपलोड होगा ये वीडियो आज, तो चलिए देखते हैं। तो दादी माँ भी वेट कर रही थी घास काटने के लिए, तो वहीं शकरकंद का पत्ता को लेके आएंगे। नमस्कार कर रही है, रस्सी से पकड़ी है और घास काटने वाला। सो दोस्तों, हम लोग खेत में पहुंच चुके हैं, ये देखिए। और यहीं हम लोग जटनी सबको काटे थे पिछला वीडियो में, और वो पत्ता को काट रहे हैं गाय को खिलाने के लिए। बाबू निकाल रहा है, तो शायद दादी माँ भी आ रही होगी, पीछे से नहीं दिख रही है अभी तो। हाँ निकाले हो, अच्छा। दादी माँ भी आ गई पीछे से। तेरी माँ कहाँ बाहर है? कौन वो आगे कौन है के? गंगरा घर का पोरी के घर आपको मानेगी।
भाग रहे हाँ भाग ए हाथ कटाई कर इतना मतलब कोड़े है इतना निकला है शकरकंद। बाबू तो पूरा मस्ती में खेल रहा है मिट्टी में। ये देखिए एक थैला हुआ है। बाबू बाबू तो हम लोग का हेंसा पकड़ लिया है मुसक रहा है। दोस्तों देखिए इतना है दो दर का हम लोग कोड़े थे। बाबू रे सो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो था। हम लोग घर पहुंच चुके हैं तो एक थैला जैसा हम लोग निकाले हम लोग का बड़े पापा सबका है तो लगाने वाला भी वीडियो इस चैनल में मिल जाएगा जाके देख सकते हैं। सो दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों पहली बार हम लोग का चैनल में आया है तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दोस्तों मिलता है फिर अगला वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। दादी माँ भी उधर हाथ हिला रही थी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।